नमस्कार, किचन एटीएम में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है मैदे और दूध से बनी हुई मीठी मठरी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मिल्क मठरी बनाने के लिए मैंने लिया है 200 ग्राम मैदा, घी आधा कटोरी, दूध एक कटोरी, पोस्ता दाना 3 से 4 चम्मच, पीसी हुई चीनी एक कटोरी, सौंफ 2 से 3 चम्मच, दूध पाउडर आधा कटोरी और कुछ ड्राई फ्रूट्स कटे हुए। मैंने यहाँ पर काजू और बादाम को बारीक काट कर रख लिया है। एक बाउल में पीसी हुई चीनी डालकर ऊपर से डालेंगे एक कटोरी दूध और दोनों को चम्मच से हिलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे चीनी अच्छे से घुल जाए। दूध और चीनी को मिक्स करते हुए मुझे 1 से 2 मिनट हो गए हैं। यह अच्छे से मिक्स हो गया है, अब इसे हम साइड में रख देते हैं। डो तैयार करने के लिए एक बड़ा परात लेंगे और उसमें डालेंगे मैदा, पोस्ता दाना, सौंफ, बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स और मिल्क पाउडर डालकर इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मोयन के लिए मैदे में घी डालेंगे और इसे हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे मैदा और घी अच्छे से मिक्स हो जाए। मैदे में हमने मोयन के लिए जो घी डाला था वो बिल्कुल परफेक्ट है। अब इस मैदे को हम गूंथ लेंगे। दूध और चीनी का जो हमने घोल तैयार करके रखा था उसे थोड़ा थोड़ा मैदे के ऊपर डालकर एक टाइट सा डो तैयार कर लेंगे। इस मठरी को तैयार करने के लिए हम यहाँ मिल्क पाउडर का यूज़ कर रहे हैं, तो मिल्क पाउडर डालने से मठरी और भी ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाता है। आटा मुझे यहाँ थोड़ा गीला लग रहा है, इसलिए मैं यहाँ 2 से 3 चम्मच सूखा आटा ऊपर से डालकर अच्छी तरह मसलते हुए इसे गूंथ कर तैयार कर लेंगे। आटा अच्छे से गूंथ गया है, डो बिल्कुल तैयार है। इसे रेस्ट करने के लिए हम दूसरे बाउल में ढककर 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। 15 मिनट हो गए हैं, आटा बिल्कुल तैयार है। इस आटे के हम 4 से 5 गोले तैयार कर लेंगे। अब लोई में थोड़ा घी लगाकर इसे बेल लेंगे। इसे बेलते समय ध्यान रखें कि जो हम घर पे नॉर्मल रोटी बनाते हैं, लगभग उससे दोगुने साइज की मोटाई वाली रोटी हमें यहाँ बेलनी है। रोटी को बेलकर तैयार कर लिया है, अब इसे काटने की बारी है। इसे काटने के लिए मैंने स्टार शेप के कटर का यूज़ किया है। अगर आपके पास कटर ना हो तो छोटी कटोरी या छोटे ग्लास से भी आप इसे काट सकते हैं। इस तरह तैयार रोटी पर कटर को रखकर हल्का सा प्रेस करते हुए सारे मठरी काटकर हम तैयार कर लेंगे। इस मठरी को आप और भी डिफरेंट शेप में तैयार कर सकते हैं। शेप अलग अलग होने के कारण बच्चे इससे बहुत अट्रैक्ट होते हैं और खुश होकर खा लेते हैं। इस तरह सारे मठरी हमने कट कर लिए हैं, अब इन्हें निकाल कर हम दूसरी प्लेट पर रख लेंगे। मठरी तैयार है, अब इन्हें हम तल लेते हैं। मठरी को तलने के लिए मैंने कढ़ाई में मूंगफली का तेल गरम कर लिया है। तेल यहाँ बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। मठरियों को तलते समय गैस का फ्लेम लो ही रखें। मठरी जब एक तरफ से हल्की गुलाबी सिंक जाए तो इन्हें धीरे से दूसरी तरफ पलट दें और धीमे आंच पर इन्हें दोनों तरफ से हल्का बादामी होने तक तल लें। मठरियों को तेल में तलते समय एक बार में 10 से 12 मठरी ही डालें। जब लगे कि मठरी दोनों तरफ से हल्के ब्राउन हो गए हैं और अच्छी तरह तल गए हैं तो इन्हें हम निकाल लेंगे। इस तरह से हम दूसरा वेज भी तलने के लिए डाल लेंगे। इस मठरी को बनाने के लिए हम इसमें चीनी का यूज़ कर रहे हैं, तो चीनी होने से मठरी बहुत जल्दी ब्राउन हो जाते हैं, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। इन्हें तलते समय तेल का टेम्परेचर बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर तेल ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो मठरी ऊपर से ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से ही कच्चे ही रह जाएंगे और ये खाने में बिल्कुल भी क्रिस्प नहीं रहेंगे। मठरी को किसी एयर टाइट कंटेनर में रखकर 30 से 40 दिनों तक इवनिंग स्नैक्स के रूप में इसे यूज कर सकते हैं। ठंडा हो जाने पर इसे सर्व करें। डिफरेंट और अट्रैक्टिव शेप होने के कारण बच्चे इसे बार बार आपसे मांग कर खाएंगे। साथ ही सुबह की चाय और किसी गेस्ट के आने पर यह एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यदि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।